फाशिस्ट आदमी नहीं देखा। ये इस मुल्क में जिस किस्म की सियासत कर रहा है, इसकी नौजबिल्ला मेरे मुंह में खाक, ये चाहता है कि ये मुल्क बर्बाद हो जाए, मैं अकेला बचा रहा हूँ। सईद गनी का कहना था कि इमरान खान मरासले का ड्रामा कर रहा है, अपने और एटीएम्स की करप्शन छुपाने के लिए साजिश का नया बयानिया सामने लाया है। सदर इमरान खान, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की आईन शिकनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब में रहनुमा पीपल्स पार्टी वकार मेहंदी का कहना था कि सिलेक्टेड हुकूमत की रुख्सती की खुशी में जश्न निजात 15 अप्रैल को कराची में मनाया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ पहली इंक्वायरी। तोहफे में मिलने वाले हार को फरोख्त करने पर FIA की तहकीकात। ज़राए के मुताबिक तोहफे में मिलने वाले हार को ज़ुल्फ़ी बुखारी के जरिए लाहौर के ज्वेलर को बेचा गया। लाहौर के बड़े ज्वेलर ने हार 18 करोड़ रुपए में खरीदा। इमरान खान की जानिब से हार के तोशाखाना में चंद लाख जमा कराए गए। माहरीन का कहना है आधी कीमत अदा करके तोशाखाना से तहाइफ को अपने पास रखा जा सकता है। 18 करोड़ का हार बेचा और चंद लाख जमा कराए, जो गैर कानूनी था। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इमरान खान सड़कों पर फिरते रहेंगे। आरिफ अलवी के दांत में दर्द है, कल हलफ नहीं ले सके। आरिफ अलवी आईनी दायरे में काम करेंगे तो सदर रहेंगे। नायब चेयरमैन इमरान खान से हिदायत लेते थे, हम चाहें तो यही नायब इमरान खान के लोगों को पकड़े, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। नायब का एक ही हल है, इसे खत्म करके अफसरों का एहतसाब किया जाए। नए पाकिस्तान से निजात मुबारक हो। मैंने बार बार 4 साल से कह रहा हूँ, या आप मुल्क चलाएं या स्नैप को चलाएं, ये फैसला इस हुकूमत को करना पड़ेगा। अब वक्त है कि चेयरमैन नैब भी जवाब दे, और नैब के ये एहलकार जो मुल्क का कानून तोड़ते रहे हैं, जो जुल्म करते रहे हैं, जो करप्शन करते रहे हैं, वो इसका जवाब दें। नैब का चेयरमैन वो आदमी है जो मुकम्मल तौर पर इमरान खान के कब्जे में था, इंस्ट्रक्शन लेता था, और ये वो नैब का चेयरमैन है जो इमरान खान की हुकूमत की करप्शन पर खामोश रहा। ये सबसे पहले इमरान खान के लोगों को पकड़ेगा, लेकिन हम इस काम में नहीं पड़ना चाहते। हम किसी के खिलाफ कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते। ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इमरान खान साहब सड़कों में फिरते रहे। आरिफ अलवी साहब के दांतों में दर्द है, वो कल वोट नहीं दे सके। जो आरिफ अलवी साहब आइन के मुताबिक काम करें, उनके दांत में अगर दर्द ना हो तो जरूर सदर रहे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।